उत्तर प्रदेश में 16 फरवरी से यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है, जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 58,85,745 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा हाई स्कूल 31,16,000 और इंटरमीडिएट 27,69,258 छात्र और छात्राएं शामिल इसमें होंगी। 16 फरवरी से होने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में नकल विहीन परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से सभी केंद्रों की निगरानी की जाएगी। जो कंट्रोल रूम का आज उद्घाटन किया गया है, इसमें सारी वो व्यवस्थाएं रहेंगी जो मैंने अभी वर्णित की है। 18 मंडल की यहाँ पर समीक्षा होगी, कंट्रोल रूम से देखा जाएगा। जिलों में क्या व्यवस्थाएं रखी जाएंगी? जिलों में भी वही व्यवस्था होगी जो यहाँ दिखाई देगी, और जो बताया गया है सारी व्यवस्थाएं जिलों में होंगी, और जिलों की हर व्यवस्था और जिले के प्रत्येक कक्ष की यहाँ पर सारी स्थिति देखी जाएगी कि किस जिले में और जिले के किस विद्यालय में और विद्यालय के किस कमरे में किस प्रकार से बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जाएगी। 16 फरवरी से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो इस तरीके से परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से तमाम जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं उनमें से 18 मंडलों की यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से उनकी निगरानी के लिए यहाँ पर टीमें लगाई गई हैं। हालांकि इस बार जो है यूपी बोर्ड परीक्षा में लगभग 58,85,775 छात्र और छात्राएं इस परीक्षा में बैठेंगी। हाई स्कूल में लगभग 31,16,000 बैठेंगे और साथ ही इंटरमीडिएट में 27 लाख के आसपास जो छात्र छात्राएं हैं वो परीक्षाएं में बैठेंगी। यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में नकलहीन परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार इस बार तमाम तरीके की तैयारियां कर रही है, उसको लेकर आज राज्य स्तरीय जिस तरीके से कंट्रोल रूम बनाया गया उसका खुद निरीक्षण करने गुलाबो देवी, जो कि उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद की, वो पहुंची थी। तस्वीरें ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आगरा, मेरठ, वाराणसी, बरेली, इस तरीके के तमाम जो मंडल हैं, उसके बाद वो तमाम जो जनपद हैं उनकी निगरानी इस पूरे राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से की जाएगी। हर एक परीक्षा केंद्र की निगरानी यहाँ पर की जाएगी कि लगातार जिस तरीके से नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है उस राज्य स्तरीय जो कंट्रोल रूम तैयार कर चुकी है उसको यहाँ से निगरानी की जाएगी। साथ ही इस बार जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में तमाम जो हाई स्कूल की बात करें या फिर इंटरमीडिएट परीक्षा की बात करें, उसमें होने वाली उन परीक्षाओं में जो है स्ट्रांग रूम भी बनाया जाएगा कि जो परीक्षा खत्म होने के बाद में जिस तरीके से नकलविहीन परीक्षा बनाने के लिए लगातार जिस तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि पूरी तरीके से उसे संपन्न किया जाए, उसको लेकर उत्तर प्रदेश कंट्रोल रूम बनाया गया है, उसकी निगरानी यहीं से राजधानी से की जानी है। लखनऊ से MK न्यूज़ के लिए अविनाश।